हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट कुजीन शेयर करने वाली हूँ और उसका नाम है फ्रेंच फ्रिकासी, या फिर यू कैन से क्रीमी फ्रेंच चिकन स्टू। ये खाने में थोड़ा क्रीमी होता है और इसीलिए ये बिल्कुल ही अलग होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमें दो मीडियम साइज प्याज को लंबे लंबे करके चॉप कर लेना है। इसके लिए हमें लगेगा 2 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 2 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर, 1 तेज पत्ता, 1/2 टीस्पून थाइम, 1/2 टीस्पून फाइनली चॉप लहसुन क्लोव्स, 2 टेबलस्पून मैदा, 1/3 कप ऑफ फ्रेश क्रीम, 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप धनिया पत्ता, 2 मीडियम स्लाइस प्याज, 2 कप चिकन स्टॉक और 600 ग्राम्स ऑफ विथ बोन चिकन। मैंने चिकन थाइज और लेग पीसेस लिया है और इसे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर से अच्छे से कोट कर लिया है फॉर फ्राइंग। अब हम पैन में 2 टेबलस्पून तेल और 2 टेबलस्पून बटर गरम करके सारे चिकन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। मैंने 15 से 20 मिनट तक फ्लिप कर करके चिकन को फ्राई किया है। फ्राई दी पीसेस टिल गोल्डन ब्राउन, इससे ये बन जाने के बाद रिचनेस ऑफ कलर बराबर आएगा। नाउ टेक दी पीसेस असाइड। अब हम इसी पैन में 1 तेज पत्ता 30 सेकंड तक सॉट करके इसमें 2 मीडियम साइज स्लाइस प्याज डाल के इसे लाइट गोल्डन कलर होने तक सॉट कर लेंगे। आप इसमें कोई भी ऐसी वेजीज ऐड कर सकते हो जो कुक होते होते गल ना जाए, जैसे कि कैरेट्स, बीन्स, मशरूम एक्सेट्रा। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून फाइनली चॉप लहसुन क्लोव्स और इसे भी 1 मिनट तक सॉट कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम लो करके इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून थाइम, मिक्स एंड कुक इट फॉर अ मिनट। अब इसमें जाएगा 2 कप चिकन स्टॉक, मिक्स इट एंड गिव इट अ बॉयल। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें सारे फ्राइड चिकन पीसेस को ऐड कर देना है। गैस का फ्लेम लो करके पैन को कवर करके हमें 10 मिनट तक इसे पकाना है। इसके बाद सारे पीसेस को फ्लिप करके फिर से कवर करके 10 मिनट तक पकाना है। अगर आपको क्रीमी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है या फिर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हो, एंड आई प्रॉमिस आपको ये ऐसे भी अच्छा ही लगेगा। पर अब मैं चिकन पीसेस को अलग करके इसमें ऐड करूंगी 1/3 कप फ्रेश क्रीम। मिक्स इट इन नाइसली। अब ऐड द चिकन पीसेस बैक टू द पैन। लास्टली हम 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप धनिया पत्ता इसमें ऐड करेंगे और ये हो गया रेडी हमारा फ्रेंच फ्रिकासी, या फिर यू कैन से क्रीमी फ्रेंच चिकन स्टू। आप इसको प्लेन बटर और ब्लैक पेपर से ग्रिल्ड ब्रेड के साथ खा सकते हो। मैंने इसके साथ थोड़ा मैश्ड पोटैटो भी बनाया है जिसकी रेसिपी आपको बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। सो टिल देन सी या। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा बनाया हुआ रेसिपीज अच्छा लग रहा है या फिर आपको कोई रेसिपीज जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हो। और अगर आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज फ्रेंड्स डू क्लिक ऑन द बेल बटन टू सब्सक्राइब माय चैनल। डू लाइक एंड शेयर गाइस। सी यू सून।